आज मुझे मेरे एक बचपन के दोस्त की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनाई थी, क्योंकि उसने कहीं पढ़ी थी या ताज़ा ताज़ा सुनी थी। आज मुझे इसलिए याद आ रही है मेरे दोस्त की, क्योंकि एक बार फिर छोटे पर्दे पर अली बाबा और 40 चोर की कहानी आने वाली है। वैसे तो पहले भी बहुत बार आ चुकी है, लेकिन इस बार की खासियत यह है कि इसकी शूटिंग जो है ना, जिस तरीके से हुई है, गजब है। टेलीविजन पर एक बार फिर से लौट रही है अली बाबा की कहानी, लेकिन इस बार अली बाबा के साथ 40 चोर नहीं बल्कि दास्ताने काबुल जुड़ा हुआ है। इस शो में शिजान और तुनिशा मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। ये नजारा जो आप देख रहे हैं, ये काबुल का नहीं बल्कि लेह लद्दाख का है। हम आपको बता दें कि शो की शूटिंग की शुरुआत लेह लद्दाख में हुई है और पहली बार टेलीविजन पर इतने ग्रैंड तरीके से शूट किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि इसकी फ्रेमिंग और वाइड शॉट्स का नजारा आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत चीज़ें नहीं की हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी की नहीं होंगी, तो लद्दाख तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग, वेरी टफ। लद्दाख वॉज़ नॉट काइंड, ये मैंने पिछले बारे में भी कहा था कि पहली बात तो वहाँ जाते ही हमें समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या, कि हम चल भी रहे हैं, बाथरूम तक जा रहे हैं, सांस फूल रही है। मम्मी से मैं बात कर रहा हूँ, फोन पे मेरी सांस फूल रही है, मैं कह नहीं हो पाएगा। शिजान और तुनिशा की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी लग रही है। शो की कुछ झलक देखने के बाद लगता है कि अली बाबा यहाँ गरीबों का मसीहा बनेगा। गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखने वाला है, चाहे उसके लिए सल्तनत से पंगा ही क्यों ना लेना पड़े। अल्लाह मेहरबान, अली बाबा पहलवान। तो अली बाबा की बस इतनी सी कहानी है कि उसके पास 5 बच्चे हैं, एक सर्वाइवर है, अपनी ज़िंदगी उसको अपने शर्तों पे जीनी है, उसको दुनिया के हर रूल से, हर जो नॉर्म्स बने हुए हैं कि ये क्लासिज्म है, गरीब ये अमीरी, उसको सब मिटाना है। मरियम का कैरेक्टर मुझे लगता है कि शो में सबसे ज़्यादा, अगर हमारे शो में बच्चे भी चालाक हैं बट मरियम चालाक नहीं है। टेलीविजन पर अब तक जितने भी शो अली बाबा पर बनाए गए, कुछ ही हैं जो हिट हुए, वरना बाकी शो अपना कमाल नहीं दिखा पाए। अब इस शो से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि इनके शूट्स अभी तक जबरदस्त हो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कहीं ये मुहावरा सही ना साबित हो जाए कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।